Ladies and gentlemen, look right ahead, lighting up the sky as they spread out in a majestic burst of speed and agility, undertaking firing of flares. Give your sentinels on that talio! वर्तमान आमे मिग 29 के जेट फाइटर विमानर पराक्रम एवं स्फूर्तिर एक मंत्रमुग्धकारी प्रदर्शन देखिले। फल्क्रम नामरे प्रसिद्ध मिग 29 के प्रचंड गर्जन सहित निजर उपस्थिति जाहिर करुछि। दीज मिग 29K एयरक्राफ्ट बिलोंग टू द इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 300, आल्सो नोन एज द व्हाइट टाइगर। एही विमानर आकृति पवनर पृष्ठ चिरी आगको बढ़िबा पई सहाय्य करूची तथा निजर पराक्रम प्रदर्शन करूची। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से हमारे मिग 29 के का अभिनंदन करें। Ladies and gentlemen, to your left, you shall now see the Eastern Fleet ships in a column formation about to fire their anti-submarine rockets. Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for the MiG-29K aircraft. देवी और सज्जनों, अब आपने दूसरे फ्लेयर फायर का प्रदर्शन देखा। ये इस बात का संकेत देता है कि युद्धपोत अब रॉकेट दागने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। रणवीर श्रेणी जहाज गुड़ी का भारतीय नौसेना रा शक्तिशाली विध्वंसक हेबा सहित सीमाने बहुमुखी युद्ध क्षमता पाई परिचित। सोवियत काशिन 2 श्रेणी रु विकसित एही जहाज गुड़ी को 1986 रु 1991 पर्यंत कमिशन करा जायथिला। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सर्फेस टू एयर मिसाइल, टर्पिडो एवं उन्नत रडार प्रणाली द्वारा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र सज्जित रणवीर श्रेणी एंटी एयर, एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन युद्ध रे उत्कृष्ट। एही जहाज गुड़ी को ब्लू वाटर एवं कूलवर्ती अंचल रे ऑपरेशन करिबा पई डिजाइन करा जाय छी। सेमानक गति, आक्रमण क्षमता एवं उन्नत प्रणाली सहित रणवीर श्रेणी विध्वंसक भारतर सामुद्रिक स्वार्थर सुरक्षा करिबा एवं नौसेनार युद्ध तत्परता को बढ़ाइबारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई छी। कमोर्ता श्रेणी के कॉर्वेट भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट हैं, जिन्हें मेक इन इंडिया पहल के तहत कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। ये 3,300 टन वजनी पोत अत्याधुनिक सोनार प्रणाली, टॉर्पेडो ट्यूब और रॉकेट लॉन्चर से सुसज्जित हैं, जो पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। स्टेल्थ तकनीक, उन्नत सेंसर और हथियार प्रणालियों के साथ ये पोत श्रेष्ठ परिचालन क्षमताएं प्रदान करते हैं। 4 डीजल इंजनों द्वारा संचालित ये पोत नॉट के अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं।
दर्शक बंधु वर्तमान बामपटे आपण चारिटी युद्ध जहाज को तांकर तृतीय सेट फ्लेयर फायर करिबार देखिले। Ladies and gentlemen, to annihilate the enemy boats, the warships have launched a salvo of rockets. Please give them a huge round of applause. उद्देश्य की पूर्ति है स्वाभिमान हमारा, भारतीय नौसेना है हम, नौसेना है अभिमान हमारा, रकीब कई जो बच न सके हमारे निशानों से। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।